दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है तो वहीं पाकिस्तान की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान को चीन की दोस्ती से इतना फायदा नहीं हो रहा जितना भारत से दुश्मनी कर उसे नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के सामने दो भयंकर संकट आ गए हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है जिससे देश डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी और बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। टीटीपी तो पाकिस्तान पर कब्जा करने का बस एक ही सुनहरा मौका ढूंढ रहा है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान की जमकर चर्चा हो रही है। वैसे एस जयशंकर ये बयान कई बार दे चुके हैं, लेकिन टीटीपी के हमलों के बीच पाकिस्तान के लिए इस बयान की अहमियत और कीमत दोनों बढ़ गई हैं। अगर पाकिस्तान जयशंकर के इस बयान को ध्यान से सुनकर मान लेता है तो वो कंगाल होने से भी बच सकता है और टीटीपी के आतंकी हमलों से भी। दरअसल विदेश मंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी है, लेकिन इस चेतावनी में पाकिस्तान